और हमने ब्रूनो को जस्ट बाहर निकाला ही निकाला था। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, इतना बढ़िया हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। बट जब हम आ गए हैं रानी झील में, पानी फैस सेट बहुत ज्यादा पानी है, बच्चे को पकड़। तो गाइस जब हम बोटिंग कर रहे हैं, हंस मत ज्यादा, पानी पानी रही हो तो क्या हुआ, पानी में है तो हंसेंगे नहीं, दिमाग खराब है। मैं तो रही हूँ। हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज नहा धो लिया है और चाय भी पी ली है, अब हम बनाने जा रहे हैं गर्मा गर्म नाश्ता। नाश्ता में क्या बन रहा है वो तो मुझे अभी नहीं मालूम, पर दीदी ने बोला है कि नाश्ता बनाने जा रही हूँ। किचन में देखते हैं दीदी क्या कर रही है, क्योंकि मैं गर्वित को नहीं लाने चली गई थी इसलिए मैंने देखा नहीं। तो अब हम किचन में जाते हैं। आलू और पूरी, तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और पूरी। मैं तल लूं, इसमें डाले मेरे कसूरी मेथी है, धनिया डाला है, तो भाई ये है आलू और ये है सब्जी। ये सब्जी है उसकी लौकी, लौकी ये है लौकी और मूली की सब्जी, मैं तो खाती नहीं हूँ, हम खाने मेरे को तो पसंद नहीं है आलू और इसकी मूली और क्या डाला है इसमें, मूली और आलू मूली और उसको जीरा और अजवाइन से ये नाश्ता नहीं नहीं हम ले जा रहे हैं बना के लिए। अच्छा ये रास्ते के लिए भी बन रहा है पूरी और आलू, और जिसको नाश्ता नाश्ता भी कर सकता है हमें। तो गाइस फटाफट से बना लेते हैं नाश्ता। तो गाइस हमारा नाश्ता तो बन चुका है अब, और जीजा जी यहाँ पे चटनी बनाने की तैयारी कर रहे हैं, और ये बनेगी हमारी चटनी अभी। तो गाइस हम फटाफट से कर लेते हैं नाश्ता, चल कर भी नाश्ता कर ले। तो गाइस हमने नाश्ता वगैरह कर लिया, अब हम ब्रूनो को घुमाने लेके जा रहे हैं, और साथ में आए भैया क्योंकि हमें लगा था बाघ है। तो भैया के यहाँ पर आए हम लोग, और हमें इतना डर लगा था कि बाघ है बाघ है, इसलिए भैया ने कहा कि हम साथ में चलते हैं। तो इसलिए भैया और मैं ब्रूनो को घुमाने लेके जा रहे हैं, और ऊपर पूरा पहाड़ है यहाँ पे। भैया बाघ कल रात को तो आया था ना? हाँ कल रात आया था, कल रात को गई जहाँ पे बाघ आया था, और हमने ब्रूनो को जस्ट बाहर निकाला ही निकाला था तो बाघ की आवाज सुनाई दी थी, फिर तो हल्ला ही हो गया था उसके बाद। तो हमने ब्रूनो को फिर तुरंत अंदर कर लिया था, बच गया ब्रूनो है ना, ये तो बाघ तो कुत्तों में ज्यादा अटैक करता है, नहीं अटैक ही करता हो। तो गाइज अब देखिए ब्रूनो को इतने मजे आ रहे हैं यहाँ पर घूमने में, पूरा जंगल है, और जो हमारे साथ केतन आया ना वो डर के मारे पीछे ही खड़ा हो गया है, वो आगे नहीं आ रहा है, डर को वहाँ पीछे खड़ा है। तो गाइज अभी हम ब्रूनो को घुमा लेते हैं, उसके बाद फिर हमको जाना है घूमने के लिए, जा रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हो अभी मुझे नहीं मालूम, तो दीदी लोगों के साथ जाएंगे। तो अभी बच्चे नहा रहे हैं दोनों, नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है, तो फिर हम घूमने जाएंगे। तो गाइज आप सभी से हम फिर मिलते हैं। यहाँ जो रानीखेत का मौसम इतना अच्छा हो रहा है, इतना बढ़िया हो रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। तो गाइज आज जो हम जा रहे हैं रानी झील जा रहे हैं घूमने के लिए, रानी खेत से थोड़ी सी आगे बढ़ता है रानी झील, वो है वहाँ का व्यू जो हम आपको दिखाने वाले हैं। सामने है व्यू और सारे लोग आए हैं,
तो गई जब हमने टिकट ले ली, एक बोटिंग की टिकट है 150 रुपया, तो वो हमने ले चुकी है। अब हम गाइस करने जा रहे हैं, देखते हैं अभी। तो गई जब हम चलते हैं नाव की तरफ, जल्दी से बैठ जाते हैं। आधे घंटे से तीन बार चले गए वहाँ पर। देखो तीन बार ये तो वाह, मुंह देखना कैसे खोल रहे। बड़ी बड़ी भी आ गई, देखो आराम से आओ। बच्चे को पकड़ कर मैं तो रही हूँ पूजा। हो गया। तो गए जब हम बोटिंग कर रहे हैं। थक गए भाई साहब, सुननी नहीं सुननी पता। पानी मत डालना, इतना किनारे कौन ले जा रहे हो, बीच में ले जाओ कह रहा हूँ, बीच में ले जाओ। क्यों बैठे धीरे करो ना, सीधा करो इसको डंडे को। तो गाइस खूब मजा आ रहा है बोटिंग का आनंद लेते हुए। डंडा सीधा करो, मैं इनका कह रहा था मोड़ दो। नहीं नहीं, कैसा लग रहा है गर्वित? गर्वित गाड़ी कैसे चला रहे हैं? रुको लेके थे घुटा। गाइस जब हम बोटिंग कर रहे हैं, खूब मजा आ रहा है बोटिंग करते हुए, और डर भी बहुत लग रहा है। थक गए, डर बहुत ज्यादा लग रहा है। पीछे साइड पूरा कम पानी था, अब धीरे धीरे चल पानी था, इस साइड बहुत ज्यादा पानी है। तो गाइस जब हम ये है रानी खेत में रानी झील में आए हैं, उत्तराखंड की खूबसूरत सी वादियों में। अभी जो हम इसको और दीदी हमें घुमा रहे हैं यहाँ पे, इसको तो सबसे पहले तो हम उनका धन्यवाद करते हैं। हमें कुछ और पन्नी मत डाल यार, कहाँ का ही पन्नी, इतना कीमती वक्त दे रहे तो गाइस हमने तो रानी झील में आके खूब एंजॉय किया, और दीदी ने हम लोगों को खूब डराया भी। तो आप भी कभी जब इस साइड आते हैं तो रानी खेत में तो जरूर आइएगा। रानी झील में काफी अच्छा व्यू है यहाँ का, काफी मजे आते हैं बोटिंग करने में। तो गाइस बोटिंग तो हमने कर ली, अभी हम थोड़ी देर में मंदिर जाने वाले हैं। उस वीडियो को मैं कल अपडेट करूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप सभी लोग भी बोर हो जाएंगे। तो गाइस जस्ट एक राउंड और लगाना, उसके बाद फिर हम बोट से बोटिंग करके उतरेंगे। नहीं करना, नहीं करना।
भाई जब हम जा रहे हैं रानी झील से और घूमने के लिए, तो गाइस बोटिंग वगैरह कर ली हमने, खूब मजे आए, खूब मस्ती करी हम सभी लोगों ने और दीदी ने सबको डराया भी काफी। तो गाइस इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप जो मैं डेली के ब्लॉग डालते हैं आप सभी लोगों को पसंद आते हैं, पसंद आते हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो लेंगे, बाय बाय। करना जा।